दोस्तों, मैं हूँ हरप्रीत और आप देख रहे हो दादू बाबा का लाफ्टर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि थायराइड में हम कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे थायराइड हमेशा कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए देखते हैं कौन सी वो एक्सरसाइज है जिससे हम अपने थायराइड को हमेशा के लिए कंट्रोल में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेतुबंध आसन करेंगे, जिससे हमारा कमर का दर्द भी ठीक होता है और थायराइड में भी आराम आता है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले सीधा लेट जाते हैं। सेतुबंध आसन करने के लिए हम दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अपने दोनों पैरों को हाथों से पकड़ लेंगे और कमर को सीधा ऐसे ऊपर करेंगे। इससे हमारी गर्दन पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। इसको हम लोग 8 बार करेंगे, 8 times। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। एक आसन को हम लोग 3 बार करेंगे। फिर से एक बार सेतुबंध आसन को वेरिएशन में करेंगे, इस तरह से हिप्स अप और हील्स को ऊपर उठाएंगे और इस तरह से आराम करेंगे। इसका तीसरा वेरिएशन लेंगे। हम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे और अपनी कमर को इस तरह से उठाएंगे। तो अभी हम लोग करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने से नींद भी बहुत अच्छी आती है और थायराइड में बहुत ही आराम आता है। तो आइए देखते हैं सर्वांग आसन कैसे करते हैं। सर्वांग आसन करने के लिए हम लोग ऐसे सीधा लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को हवा में ऊपर लेकर जाएंगे, इस तरीके से। और धीरे धीरे इसको करते हुए वापस आ जाएंगे। यह आसन हम लोग 3 बार करेंगे। तीनों बार हम लोग 8 count करेंगे। एक बार फिर से करते हैं। इसको मैं अभी आपको वेरिएशन में करके दिखाऊंगी। हम लोग इसको बटरफ्लाई के साथ भी कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे